असंख्य युवाओं का निर्माण किया, देश धर्म राष्ट्र के लिए समर्पित किया, पूरा जीवन पुरुषार्थ करते व्यतीत कर रहे हैं पूज्य आचार्य प्रेमोद युगार्थी जी। और हमारे बीच में ढोलक पर साथ देने हमारे गुरु जी बहुत ऊंची कोटि के भजनों के सर रहे वहां से कल्याण सिंह जी अभी उपस्थित हो रहे हैं, सहारनपुर की पावन भूमि से उपस्थित, जिनके बहुत ही सार गर्भित उपदेश अमृत का लाभ हम लोग चार दिनों से ले रहे हैं, आदरणीय आचार्य शिव कुमार शास्त्री जी और स्थानीय आर्य समाज के धर्माचार्य बहुत ही प्रसन्नचित रहने वाले विद्वान साथी आदरणीय विश्वदेव जी, हमारे बीच में अन्य सभी विद्वतगण, गुरुकुल के आचार्यगण, गुरुकुल के ब्रह्मचारी, सभी धर्मप्रेमी सज्जन, इस स्थानीय आर्य समाज के सभी पदाधिकारिणी माताएं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, भगवान की कृपा से हम लोग इकट्ठे बैठे और भगवान की कृपा मैं क्यों बोलता हूं बार बार, देखो अगर ईश्वर की कृपा ना हो तो हमें इकट्ठे बैठने का मौका भी नहीं मिलता। शादी विवाहों में भी जाते हैं लोग 36 कांकड़ रखते हैं, देखा अगर इधर प्लेट कोई ऐसे ने उठा ली जिससे विचार नहीं मिलते तो उस स्टॉल पे नहीं जाता दूसरी तरफ जाता। हम इकट्ठे बैठ रहे हैं एक विचारधारा का आदान प्रदान करने के लिए, ये संस्कृति राष्ट्र देश धर्म कैसे बचे इसके लिए हम लोग यत्नशील हैं, और जब यत्न बार बार किया जाता है तो उसी को प्रयत्न बोलते हैं, और वो प्रयत्न सार्थक होगा निश्चित रूप से इसी आशा विश्वास के साथ में हम सब लोग एकत्रित होते हैं और विद्वान अपने अपने स्तर से चर्चा करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये हमारे भाई अनुराग जी हैं, वैदिक दर्पण हिसार चैनल चलाते हैं, एक स्टैंड ले लो भैया का, आप हाथ थक जाएंगे, आप बहुत मेहनत करते हैं। हम लोगों ने अग्निहोत्र किया, एक बात आप सुनते चले आ रहे हैं कि ये संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, आप सबने सुना है। मैं दो उदाहरण दूंगा और संभवतः आपकी समझ में बात आएगी, सुनी सुनाई बातें मेरी कम होती है, प्रयास ये रहता है कुछ जमीनी स्तर पर जो अनुभव है उनको लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जाए। मैं आपसे एक बात पूछूं कि पानी ज्यादा महत्वपूर्ण है या भोजन ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो दोनों में से आप क्या उत्तर देंगे? पानी। अब अगला प्रश्न का उत्तर देना, पानी ज्यादा महत्वपूर्ण है या हवा ज्यादा महत्वपूर्ण है? पता चला बिना भोजन के आप कई दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के कई दिन जीवित रहना संभव नहीं। हाँ, सर्दी का समय होगा तो आपको प्यास कम लगती है, कई बार एक गिलास पानी भी एक्स्ट्रा व्यक्ति भोजन के अलावा नहीं पीता सर्दी में, लेकिन गर्मी में तो बहुत पानी की आवश्यकता होती शरीर को, तो बिना पानी के एक दिन भी नहीं रहा जा सकता, बिना हवा के एक सेकंड के लिए अगर आपकी श्वसन क्रिया बंद होती है तो आप बेहोश हो जाते हैं। आपको पता बेहोश होने की प्रक्रिया क्या होती है शरीर में? जब असहनीय दर्द हो जाता है या ऐसी परिस्थिति सामने आ जाए जिसको देख करके आदमी को लगे अब क्या होगा, तो श्वास प्रश्वास जो है उसका जब झटका लगता है एक सेकंड के लिए श्वसन बंद होता है, हम बेहोश हो जाते हैं। मस्तिष्क में जो श्वास निरंतर जा रही थी वो झटका लगते ही व्यक्ति बेहोश हो जाता है, दो सेकंड के लिए श्वास बंद हो जाए तो कोमा में चले जाता है, और तीन सेकंड के लिए अगर श्वसन क्रिया बंद हो तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इतना महत्वपूर्ण है श्वास। अब आप समझिएगा जरा, भोजन के बिना कई दिन रह सकते हो, पानी के बिना नहीं रह सकते। हमने भी एक बार निर्जला एकादशी आई आचार्य जी, तो हमें किसी ने बताया बड़ा पुण्य मिलता है निर्जला एकादशी, उन्होंने कहा इसका बड़ा पुण्य मिलता है जो निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, मनोकामना पूरी होती है। मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था, आचार्य जी को खूब पता है, अब तो सब परीक्षा सामान्य हो गई, उत्तर प्रदेश का क्या भैया 10वीं का बोर्ड बहुत हार्ड और इतना मुश्किल था, मतलब फेल वालों की आवाजें ज्यादा आती थी पास वालों की कम, गांव में अगर 20 लड़के पढ़ रहे तो 5-7 पास होते थे, बाकी लुढ़क ही जाते कहीं ना। हमने सोचा यार अच्छा रहेगा, एक साल पहले मैं फेल हो चुका था 10वीं में,
तो मैंने अब क्या छुपाना आपसे, मैं ठीक हूँ, आपने लोगों में बहुत बड़ा विद्वान आदमी। अब जब परिस्थिति थी, मैं तो 9th में भी फेल हुआ था एक बार, मैंने सोचा पक्का करके चलते हैं कि क्लास को, क्योंकि मास्टर तो वही बनेगा जिसे सारी चीजों का पता होगा। अब अपने हाथ में तो था नहीं, पढ़ते दे रही तरह फेल हो गए। 9th क्लास में फेल हुए, फिर 10th में फेल हुआ था। मैं सोचा निर्जरा एकादशी का व्रत रखते हैं, कुछ मैं सहारा लगाऊंगा, कुछ व्रत का सहारा लगेगा, मेरी नैया पार हो जाए। अब सुनना बच्चों तुम्हारे काम आई बात, मेरे जीवन में घटना घट गई, मैंने व्रत रख लिया। और वो व्रत रखने के बाद में दोपहर तक मैंने सबको बताया आज मैं व्रत से हूँ, मैंने निर्जरा एकादशी का व्रत रखा है। मेरी माँ ने कहा देखिए कच्चा कमरा है, मिट्टी का लिपा हुआ, इसमें पड़ जा चुपचाप नीचे आराम से, शाम आराम से कट जाएगी, नहीं तो थोड़ी देर में प्यास लगेगी और तेरे पिताजी आए ठंडा लेंगे थोड़ी देर में, अगर तूने पानी मांगा तो पिटाई बहुत होगी। अब हम कहाँ सुनने वाले थे, जो अल्लड़पन होता है ना वो किसी के दिमाग में बात नहीं आती। तो घूमता ना एक बजते ही बस प्यास लगनी शुरू। मैंने कहा माँ, माँ तो समझ गई इतना बोलते ही, क्योंकि तुम अपने आप को जितना जानते हो ना, तुम्हारी माँ तुमसे 9 महीने ज्यादा तुम्हें जानती, उसने तुम्हें गर्भ में रखा। बिना बोले अच्छा प्यास लग रही, मैंने कहा, कह लेगी कोई इलाज नहीं तेरा, अब मैं बोलूंगी तो तेरे पिताजी घंटा और बजाएंगे, पानी वानी नहीं मिलेगा। एक घंटा मैंने जैसे तैसे खींच लिया उनके मना करने के बाद, क्योंकि तब घर में टोटी लगी हुई नहीं थी ऐसे टंकी कहीं भी, कहीं धसे आदमी बाथरूम में पीले चुपचाप जा रखे, लेकिन कहीं था ही नहीं, नल लगा हुआ था आंगन में, और उस पर जाओ तो सबको दिखेगा, कमाल हो गया भाई। 2 बजे बिजली आई, सब लोग दौड़े ट्यूबवेल की तरफ, हम भी पिताजी के साथ चले गए। हमने कहा नहाने को मिलेगा ट्यूबवेल पर तो ताल लग जाएगा। जब बाहर पानी देखा अंदर प्यास, मैंने हमारे पिताजी से कहा डरते डरते, मैंने कहा जी कुछ हो सकता है क्या? उन्होंने कहा बस कुल्ला कर सकते हो, निर्जला एकादशी का नियम यह है, कुल्ला कर सकते हो, कुल्ला कर लोगे ठीक है, और पानी पियोगे तो टूट जाएगा व्रत। मैंने कहा ठीक है, मैंने इतना सारा पानी पिया सर जी, आधा तो साथ साथ पी लिया और आधे का देर तक कुल्ला किया। उन्होंने कहा निकाल पूरा पानी, मैंने देर तक धार बांध के निकाल दिया, और मैंने कहा जी एक बार कुल्ला और करने दो बस। अब इसका किसी को पता थोड़ी था, मैंने तोड़ा व्रत के जोड़ा, पर मैंने तो शरीर को बचाया, मैंने एक बार और पानी पी लिया। अब मेरे को सबने कहा तेरा व्रत टूट गया, तू फेल हो जाएगा। मैंने और मेहनत की, भगवान की कृपा से व्रत तो टूटा पर मैं पास हो गया। मेरे को ना बिना मतलब की बकवास करते लोग, अगर पाप लगता तो मैं काहे को पास होता, मैं फेल हो जाना चाहिए। बस दिमाग में तब से बातें आई बच्चों, और मैंने फिर सब चीजों की खोज शुरू की। मैं कोई परंपरा से नहीं हूँ आर्य समाजी, ना मेरे पिताजी आर्य समाजी, ना कोई दादा पढ़ा। हम लोग तो स्वामी जनक सरस्वती का जीवन चरित्र पढ़ा, पागल हो गए इसके पीछे। आप लोग बैठे भी कुछ बच्चे मेरे से मिल रहे थे, मैं क्या उद्देश्य है, कह रहे थे जो आपका उद्देश्य वही हमारा है। मैंने कहा बहुत धन्यवाद के पात्र हो, अगर ऐसे शब्द आपके मुंह से मिल रहे हैं तो बहुत धन्यवाद के पात्र हो। मैं कई विद्यार्थियों से मिलता हूँ तो पता है क्या कहते हैं, अरे बस नौकरी लग जाए, कहीं टीचर बन जाए, कोई बीएड करे, कोई डॉक्टरी करे, ठीक है, लेकिन इस राष्ट्र के बचाने के लिए भी कोई आगे आए। आओ सब जने मिलकर के मेरे साथ गीत की लाइन में गुनगुनाओ, अच्छा लगेगा बच्चों। ये उम्र किसी का इंतजार नहीं करती, ये निरंतर चलती चली जाती है। जब भी कहते ना जब आँख खुली तभी सवेरा, जब पता चले कि जीवन का उद्देश्य कहाँ क्या कैसे करना है, समझ लो जीवन वहीं से प्रारंभ है। आओ मेरे साथ गुनगुनाओ, अच्छा लगेगा।